नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, कहा जाता है कि इच्छाधारी नाग नागिन के पास कई अलौकिक शक्तियां होती है, जिनका उपयोग कर वो किसी भी समय किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इच्छाधारी नाग नागिन अपनी शक्तियों की मदद से हम सबके बीच सामान्य इंसान की तरह ही रह भी सकते हैं। इच्छाधारी नाग नागिन के पास एक ऐसा रत्न होता है जो किसी हीरो से भी ज़्यादा कीमती होता है, जिसे हम नागमणि के नाम से जानते हैं। जिस नाग नागिन के पास नागमणि होती है, उन्हें बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है और वे जिंदगी भर उसकी रक्षा भी करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको यूपी के गोरखपुर में नाग नागिन के बदले की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, यदि आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखें, ताकि भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, एक बार यूपी के गोरखपुर इलाके में एक नाग नागिन का जोड़ा सोमवार के दिन महादेव के मंदिर की तरफ जा रहा था। नाग सड़क पार कर रहा था तो वहीं नागिन सड़क के किनारे बैठ गई, मानो जैसे कि वो थक गई हो। तभी दोस्तों, एक तेज़ रफ्तार में ट्रक आया और उस नाग को बहुत ही बुरी तरह कुचल कर चला गया। नागिन ये पूरी घटना अपनी आंखों से देख रही थी। जैसे ही ट्रक वहां से गुजरा और नागिन ने अपने नाग को ऐसी हालत में देखा, तो नागिन तेज़ी से भागती हुई नाग के शरीर के पास बैठ गई और अपना सर सड़क पर पटकने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपने नाग की मौत पर रो रही हो। दरअसल दोस्तों, गर्मियों का मौसम था और उस दिन भीषण गर्मी पड़ रही थी। ऐसे में तपती धूप के कारण नागिन सड़क पर सर पटकने की वजह से बेहोश हो गई। ऐसे में वहां मौजूद लोगों ने उसके ऊपर पानी डाला तो वे फिर से होश में आ गई, लेकिन वो अपने नाग को देखकर बहुत गुस्से से आग बबूला हो रही थी और जोर जोर से फुंकारने लगी। और उस नागिन का प्रकोप देख कर ऐसा लग रहा था कि वो नागिन अपने नाग की मौत की वजह से सदमे में जा चुकी है और अब वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। तकरीबन 2 घंटे तक लोगों की भीड़ की तरफ यूं ही देखती रही, लेकिन अपने नाग के शरीर से दूर नहीं गई। वहां मौजूद लोगों ने उसके शरीर को उठाकर कहीं दूर रखने का फैसला लिया, लेकिन किसी को भी उसके नजदीक आने नहीं दे रही थी वो नागिन। इसके बाद नागिन फिर से अपने नाग के शरीर से लिपट गई। नाग की मृत्यु की वजह से सड़क पर काफी जाम हो गया और लोगों का जमावड़ा लग गया था। दोस्तों, वो जमावड़ा शाम तक काफी ज्यादा बढ़ चुका था। रात के समय उसने भी रोते हुए अपने प्राण अपने नाग के शरीर के साथ लिपट कर दे दिए। तो इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उस नाग नागिन के जोड़े को दूर एक जंगल में एक साथ दफन कर दिया। माना जाता है कि उनके प्रेम को देखकर आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। हालांकि नाग नागिन की ये घटना काफ़ी भावुक है, जिसको लोग आज भी नहीं भूल पाए। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने वाहन को ध्यान से चलाना चाहिए, ताकि हमारी वजह से किसी और को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो ऐसे में दोस्तों, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और महादेव के भक्त सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। साथ ही अगर आपको ऐसी वीडियोस देखनी पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।